हम आपको चंबल की दहशत, चंबल का खौफ, कुम्हेरा यानी कुमेर सिंह तोमर। कुमेर सिंह तोमर एक ऐसे परिवार से आते हैं, उनके भाई 17 बरस तक ग्राम पंचायत बरे, तहसील अंबा, अंबा के पास में है बरे, और ये क्षेत्र दिमिनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां के 17 वर्ष तक सरपंच रहे लगातार, और उनका काफी नामी गिरामी सज्जनता और जागीरदारी में बहुत ही शराफत के साथ, बहुत ही इज्जत के साथ इस परिवार का नाम लिया जाता है। कुमेर सिंह तोमर के नाम का खौफ और दहशत इतनी शुरू से ही रही है और अब तक है, आज तक, कि कुमेर सिंह के नाम से, जैसे शोले फिल्म थी ना, तो गब्बर सिंह के नाम से कई कोस दूर बच्चा रोता था, माँ कहती थी चुप हो जा वरना गब्बर। तो कुमेर सिंह का ऐसा जलवा है और जलवा रहा है, ऐसा जलजला है और ऐसा जलजला रहा है, कि कुमेर सिंह तोमर के नाम से तोमर घर में इज्जत भी है, शराफत भी है और दहशत और खौफ भी है। सन 1974 में ग्वालियर मेले में कुमेर सिंह तोमर मोटरसाइकिल रेस में अवार्ड जीत चुके हैं। इन्होंने 15 फीट ऊंची मोटरसाइकिल खुदा करके सबको हैरत में डाल दिया था। ये न कभी सर्कस में रहे हैं, न कभी कुछ रहे हैं, केवल मात्र एक शौकिया मोटरसाइकिल सवार रहे हैं, लेकिन इनकी मोटरसाइकिल की स्पीड कभी भी उनके मीटर का कांटा 80 से नीचे कभी नहीं चलता था। ये उस समय की बात है जब यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें 5-6 फीट चौड़ी थी और सड़कों की सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव था। उस समय ये मोटरसाइकिल 80 की स्पीड पर उन खराब सड़कों पर, बेकार सड़कों पर दौड़ाते थे। 80 से ऊपर इन्होंने अपना मैकेनिक के जरिए स्पीड खुलवा रखी थी, तो 80 मिनिमम इनकी स्पीड रहती थी। और जब 100 सवा 100 लोग जब वहां प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे ग्वालियर में मेले में, उन सब के बीच में उन्होंने अकेले ने स्वर्ण पदक जीता, प्रमाण पत्र जीता और इन्हें नकद 500 रुपए का इनाम मिला। ये सब ब्यौरा हमारा इस इंटरव्यू से पहले ये बता चुके हैं और वो इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड भी किया था, दुर्भाग्यवश वो सेव नहीं कर पाए थे पूरा उनका वो, तो वो हमें फिर अलग से ये दूसरी बार में पूछना, खुद अपनी तरफ से सब बताना पड़ा। कुमेर सिंह तोमर केवल चैंपियन ही नहीं रहे, ग्वालियर को दहला देने वाले, ग्वालियर के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपने वाले उस सन 1974 में कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जैसा कि बता चुके हैं कि इनके भाई 17 वर्ष तक ग्राम पंचायत बरे के सरपंच रह चुके हैं, जागीरदार परिवार रहा है, बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा इनका सब कुछ मुकाम था। आगे चल करके एक दास्तान के तहत बरे में एक हत्याकांड हुआ, हत्याकांड में इनको फरार होना पड़ा, इनके सभी भाइयों को फरार होना पड़ा, सभी फरार रहे और जितने समय तक फरार रहे उतने समय तक तो चंबल में बहुत बुरी तरह से दहशत पसरी रही, खौफ पसरा रहा। हमारे तो चूंकि कुमेर सिंह जी से पारिवारिक संबंध है और हमारे भाई लगते हैं,
कुमेर सिंह जी से हमारी बहुत विस्तार से और बहुत लंबी चर्चा हुई। इन्होंने हमें बहुत हंसाया या बहुत हंसाया, इतने किस्से सुनाए इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के बाद में। वो कुछ किस्से इतने मजेदार थे कि हम चाह रहे थे कि उनको रिकॉर्ड करें और उनका इंटरव्यू में इसमें डालें। तो कुमेर सिंह जी बोले, तुम ही हंस ले हो दुनिया का हंसा रहा। तो हमारे नाव को वैसे ही कोपो तो वैसे ही मूत देते हैं अच्छे अच्छे को बने रहे तो पचंद उन जनते ले गए हमारी गाना मूत मूतता रहते हैं तीन नाम। तो तुम ही हंस ले हो, जाए रिकॉर्ड मत करो, जितनी चीजें रिकॉर्ड करे हुए लाए गए तो मतलब दे गई ठीक है। अब तो उसके बाद में फिर हमने उसकी रिकॉर्डिंग तो खैर नहीं की, लेकिन 3-4 घंटे उन्होंने इतने किस्से सुनाए, इतने किस्से सुनाए कि हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पेट में दर्द होने लगे सब लोगों के। आजकल कुमेर सिंह जी जो है बागवानी और खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सुंदर बाग लगा रखा है, उसमें अनार से लेकर के बहुत उच्च कोटि के फल फलों के पौधे वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। इनका बाग बगीचा भी अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी इस समय ठीक ठाक चल रही है। और जैसा हम बता चुके हैं कि ये फरार रह चुके हैं और बंदूकें यानी कंधों पे लटक चुकी हैं, और जब ये फरार थे उस वक्त पूरे चंबल में खौफ और दहशत पसरी रहती थी। और इनका नाम ही काफी है, इनका नाम ही ले दीजिए कुमेरा, कुमेरा नाम ले दीजिए, कुमेर सिंह तोमर तो इनका वैसे नाम है लेकिन कुमेरा नाम ही इनका प्रसिद्ध है। और कुमेरा नाम के नाम से ही चारों ओर दहशत अपने आप पसर जाती है। तो ये एक बहुत भले परिवार से, अच्छे परिवार से एक विजेता व्यक्ति, शूरवीर व्यक्ति हैं। शूरवीर इतने हैं कि आप इनको तलवारों की नोक पर चलने को कहेंगे तो ये नंगे पांव 1,000 तलवार की नोकों पर पार कर जाएंगे। और सिर कटाना, सिर काट लेना इनके लिए दाएं बाएं हाथ का काम है। चोरी, अपहरण, लूट, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाओं का ये विरोध करते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। जो भी चोरी, लूट, बलात्कार, छिछोरापन या गुंडागर्दी करता है उसको ये नहीं छोड़ते। और इसी बात पर बरे में हत्याकांड हुआ था, और ये एक राजा की तरह धर्म, नीति और न्याय करते हुए फरार हुए थे। तो अपने धर्म का पालन करते हुए, न्याय करते हुए, नीति का पालन करते हुए, एक दलित को न्याय दिलाते हुए, एक उच्च कोटि के उसकी हत्या करके फिर तो फरार हो गए, फरार हो गए। और फिर चंबल के बीड़ तो यहाँ है, चंबल के बीड़ों में तो रहते ही हैं, चंबल के बीड़ों में बसे हुए ये गांव हैं। तो ये बड़े गांव के रहने वाले हैं। आज इनका इंटरव्यू हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका थोड़ी सी जो वानगी थी इंटरव्यू की, जो छूट गई थी पीछे रिकॉर्डिंग में जिसके सेव नहीं कर पाए थे, उसको मैंने बताया आपको। और मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद यहीं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, इसी क्षेत्र का राजा हूँ और राजवंश से हूँ, राज परिवार से हूँ। और ऐसागढ़ी जो हमारे पुरखे के हिस्से में जो राज्य आया उसका ये एक हिस्सा रहा है। तो वहाँ की राजधानी ऐसागढ़ी के बाद में रुदावली, रुदावली के बाद में फिर ये बरे रही, और बरे में से ही और मतलब 12 गांव की जागीर पहले थी ये, फिर से हमने राजधानी बनाया था अपना। तो ये राजधानी रही,
तोमर राजवंश की ये अंतिम राजधानी ये बरे ही रही है, और हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुमेर सिंह तोमर भी हमारे जो है परिजन हैं और परिवार से ही आते हैं, और यहाँ पर बाकी के जो काफी लोग यहाँ इसमें तो यहाँ इकट्ठे हैं, करीबन 200-250 लोग हैं। और आपको बहुत हैरत की बात बताएं, फेसबुक पर जो तोमर राजवंश का पेज चलता है, मुझे यहाँ आकर के बहुत हैरत हुई। यानी कि बच्चे बच्चे ने, खुद मेरे गांव के बच्चे बच्चे ने उस पेज को देखा है, पढ़ा है, उस पर एक एक अक्षर क्या लिखा जाता है, एक एक शब्द क्या लिखा जाता है, उसको ये लोग पढ़ते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य है, हमारी पूरी तोमरघार का हर गांव और हर तोमर इस तोमर राजवंश के पेज को पढ़ता है, इस पर लिखी गई बातों को पढ़ता है और अपने अंदर उतारता है। और इसके लिए यहाँ पर जो सभी तोमरों ने मुझे बहुत ज्यादा साधुवाद दिया है, या मेरी बहुत प्रशंसा की है, या मुझे बहुत ज्यादा बुजुर्गों ने और बच्चों ने, सबने बहुत इसके लिए सराहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे सबसे ज्यादा जान के जो खुशी हुई कि जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा मंतव्य था कि आने वाली पीढ़ी से हमारा इतिहास गुम नहीं होना चाहिए, सारी सच्चाई उसके सामने आना चाहिए, वो मकसद हम तो आपका नाम कुमेर सिंह तोमर, ग्राम बरे, आपने मेला ग्राउंड ग्वालियर में 1974 में क्या किया, मोटरसाइकिल की चैंपियनशिप जीती, 15 फीट ऊंची जंप लगाई, और आपका वो एक रिकॉर्ड है, उसमें आपको 500 रुपए का इनाम मिला है, सर्टिफिकेट आपके पास में रखा हुआ है। अब आपकी उम्र है 65 वर्ष, उस समय 22 वर्ष थी, तो आप जो है नामी गिरामी चैंपियन रहे, चंबल के बेहड़ के एक छोटे से गांव में बरे में, बरे जागीर रही है, तो बरे जागीर के निवासी हैं, इनके भाई सरपंच रहे हैं काफ़ी वक्त तक, और आज हमने आपको कुमेर सिंह तोमर जी से मिलवाया, और इनको इनकी भाभी ने पीट दिया, तो ये बसैया की माता पे मंदिर पे जाके पुजारी बन गए, फिर लौट कैसे आए, फिर भाई साहब ही वेले आए, फिर शादी करते ही नहीं बंधे डरे हैं, फिर कहूँ गए ना, फिर चैंपियनशिप छूट गई, फिर किसान है गए, तो आपने 15 फीट की जब छलांग मारी तो उस समय कितने प्रतियोगी थे आपके साथ में, 100 सवा 100 के बीच में अकेले ने जंप मार दी, पंजाबी यूं कहता है कि जी क्या है जी, नहीं मां तो अफसर है, कलेक्टर है, डीएसपी ये थे गए हैं, टी आई है, मतलब तो ना पे हुए फीता दे, नहीं पे ही निकले हमारी गड़बड़ बात, नहीं तो तबाही लगी जाते हैं, हैं लंबाई नहीं कर लिया, लंबाई कम पड़ गई, नहीं तो नौकरी लग जाती, तो मां अधिकारी थी या था पास, तो जी नौकरी क्यों ने पहले ही बनाए थे का बनाए थे तो रहे थे, मैं टेस्ट भी बैठे नहीं सब मैया के हाथ में, मैया के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे, गांव के बारे में, अच्छा अपने गांवों में क्या समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, को पीटे को ठाकुर नहीं पीटेंगे, ये जे आपका ये इंटरव्यू सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, चीफ भारत सरकार तक पहुंचेगा, भारत सरकार के हर मंत्री द्वारा देखा जाएगा, बेंट काट तो है कुड़ाई कबू ना काटते,
परे बाप बात है तो बता दो, कोई समस्या हो गांव में तो सड़क खराब हो या कहीं और परेशानी हो या बिजली नहीं आवत हो या ऐसी कोई समस्या है? तो समस्या बहुत बुरी है, बिजली तो खैर आवत ही ना, जो भी दे देते हैं फसल पे आ जाएगी तब भी देंगे। कितने घंटे तक बिजली रहती है? तीनों फीस या एक फीस मतलब कितनी देर? तीन तीन घंटा चार चार घंटा चली जाती रात की। दिन में कितने वक्त रहती है? दिन में ऐसी 6 बजे चली जाते, 10 बजे आवते, 10 बजे तो फिर 6 बजे नो रहती है, तब में चली जाती। मतलब बिजली रहती ना, अटल ज्योति ना आते, अटल ज्योति नाम की चीज देखे भी ना आते। ये पूरी तोमर घर की जी हालते है के अपने ही यहाँ की जी? बहुत क्षेत्र में, बहुत क्षेत्र में कहा पूरे पूरी तोमर घर में लाइट की कमी है, पूरी तोमर घर में लाइट की कमी है। और सड़कने की क्या स्थिति है गामने में? सड़कें कमी डरी है, कमी डरी है के टूटी फूटी है के हती ना सरपंच की बुराई ना करनी, सरकार की बारे में बताऊ ताते जी नरेंद्र मोदी जाए सुन सके और वे जो कार्यवाही भी ना करनी है सो कर सके। पुरानी टट्टी है तने तने की पास कर रहे हैं, नई बन गई ना, इन्हें भी परेशान है। पैसा लेके कर रहे हैं कि मुफ्त में? मुफ्त में काहे को, मंदिर तो मिल रहा है 12-14-8 हजार दे रहे हैं। काले भाई गत्ते त्याई भाभी इन्हें भी गई ये कुंडे 10 किलो वजन तो दुई खेत में कपे गई तो फिर ठेगी तो गाड़े पे थे गाना पर मैंने तो कुंडे तो सगल नहीं तो वो लैट्रिन बना बाहर भाई साइज का है के कै साइज की बना रहे के भाई के की 4 इंची की के भाई के पतवारा एक ही छूतर बने हो वहां इधर तो ना पहुंच जाता दूसरा आदमी वहां ना बोले बड़ी यानी बहु आदमी कर रही सो बैठ पा बे रंग करवा देते और फोटो लो पास करा दे। सब फर्जी खेल चल रहा है। और ये नल जल व्यवस्था कैसी बरी? हम नल फला थी तब अति हो तो फतम है खाए लई बरी है खाए गए पीला बोला खाए गए बाद बंद है पीला पीला ले बंद सब बंद है बंद है सड़ी है डीपी फुगी डरी है और तार अल्लाह हाथ में सही डरी है और सिंचाई की व्यवस्था नहर वगैरह कैसी चल रही? अपने ठीक है अच्छा। और बम्मा फम्मा मतलब हाउ हजम ज्यादा हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है तो अपने यहाँ जो है उसमें राजनीति का कोई वो नहीं है क्या नाम है किसी विशेष पार्टी का वो बार कौन सा पार मतलब जो आदमी सही होगा अपन उसको जिताते हैं दा पे विश्वास हुए और वही धोखो दे जातु वही धोखो दे जातु वही खा खाए पी जाता है तो ये तो आपका नाम कुमेश सिंह तोमर, ग्राम बरे, आपने मेला ग्राउंड ग्वालियर में 1974 में क्या किया? मोटरसाइकिल की चैंपियनशिप जीती, 15 फीट ऊंची जंप लगाई और आपका वो एक रिकॉर्ड है उसमें आपको 500 रुपए का इनाम मिला है, सर्टिफिकेट आपके पास में रखा हुआ है। अब आपकी उम्र है 65 वर्ष, उस समय 22 वर्ष थी। तो आप जो है नामी गिरामी चैंपियन रहे, चंबल के बेहड़ के एक छोटे से गांव में बरे में बरे जागीर रही है, तो बरे जागीर के निवासी हैं, इनके भाई सरपंच रहे हैं।
काफ़ी वक्त तक। और आज हमने आपको कुमेर सिंह तोमर जी से मिलवाया और इनको इनकी भाभी ने पीट दिया, तो ये बसैया की माता पे मंदिर पे जाके पुजारी बन गए, फिर लौटे कैसे आए? फिर भाई साहब ही वाले भाई, फिर शादी करते ही नहीं बने रहे, फिर कहूँ गए ना, फिर चैंपियनशिप छूट गई, फिर किसान है गए। तो आपने 15 फीट की जब छलांग मारी तो उस समय कितने प्रतियोगी थे आपके साथ में? सौ सवा सौ के बीच में अकेले ने जंप मार दी। पंजाबी यूं कहता है कि जी क्या है जी? नहीं मां तो अफसर है, कलेक्टर है, डीएसपी ये थे गए हैं, टी आई है, मतलब ना पे हुए फीता थे, पे ही निकले हमारी गड़ी वाला था, नहीं तो तबाही लगी जाते हैं। हैं लंबाई नहीं निकली, लंबाई कम पड़ गई, नहीं तो नौकरी लग जाती। तो मां अधिकारी थी जाता है तो जी समैया गया तुम्हें। मैया के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? गांव के बारे में? अच्छा, अपने गांवों में क्या समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? को पीटेगो? ठाकुर नहीं पीटेंगे, ये आपका ये इंटरव्यू सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगा, चीफ भारत सरकार तक पहुंचेगा, भारत सरकार के हर मंत्री द्वारा देखा जाएगा। बैठ काट तो है, कुड़ाई कबू ना काटते, पर बात है तो बताए दो, कोई समस्या हो गांव में तो सड़क खराब हो या कहीं और परेशानी हो या बिजली नहीं आवती हो या ऐसी कोई समस्या है? तो समस्या बहुत बुरी है, बिजली तो खैर आवत ही ना, जो पीस देते हैं फसल पे आ जाएगी तब जो देंगे। कितने घंटे तक बिजली रहती है? तीनों फीस या एक फीस? मतलब कितने दिन? तीन तीन घंटा, चार चार घंटा चली जाती, रात तीन या पाँच जाते। दिन में कितने वक्त रहती है? दिन में ऐसी 6 बजे चली जाते, 10 बजे आवाते, 10 बजे तो फिर 6 बजे नो रहती है, सब में चली जाते। मतलब बिजली रहती ना, अटल ज्योति ना आते, अटल ज्योति नाम की चीज देखे भी ना आते। ये पूरी तोमर घर की जी हालत है कि अपने ही यहाँ की? बहुत क्षेत्र में कहाँ कहाँ? पूरे पूरी तोमर घर में लाइट की कमी है, पूरी तोमर घर में लाइट की कमी है। और सड़कने की क्या स्थिति है गामने में? सड़क कमी डरी है, कमी डरी है कि टूटी फूटी है कि हती ना सरपंच की बुराई ना करनी, सरकार की बारे में बताऊ ताते जी नरेंद्र मोदी जाए सुन सके और वे जो कार्यवाही भी ना करनी है सो कर सके। पुरानी टट्टी है तेने तिनकी पास कर रहे हैं, नई बन गई ना, हिंग भी परेशान है। पैसा लेके कर रहे हैं कि मुफ्त में? मुफ्त में काहे को, मंदिर तो मिल रहे हैं 12 के 14 8 जाते रहे काले भाई गत्ते त्याई भाभी हिंग भी गई एक कुंड 10 किलो वजन तो दुई खेत में कपे गई तो बैठे की तो गाड़े पे थे गाना पर बोले तो एक कुंड 10 किलो नहीं तो वो लैटिन बना बाहर भाई साइज का है के कै साइज की बना रहे के भाई के की 4 इंची की के भाई के पतोरा एक ही छूतर बने हो वहां तो ना पहुंच जाता दूसरा आदमी वहां ना बोले बड़ी समझ यानी बुआ आदमी कर रही सो बैठ पा बे रंग करवा देते हैं और फोटो लो पास करा देते। सब फर्जी खेल चल रहा है। और ये नल जल व्यवस्था कैसी बरी? हम नल खला थी तब अति हो तो खत्म है, खाए लही बरी है, खाए गए पीले गोला खाए गए, पहला पहला ले बंद, सब बंद है, बंद है सड़ी है, डीपी फुगी डरी है। और तारा उन्हें हाथ में सही डरी है और सिंचाई की व्यवस्था, नहर वगैरह कैसी चल रही?
ਇਹ ਸੋ ਠੀਕ ਦਾ ਹੋਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੰਮਾ ਫੰਮਾ मतलब हाउ हजम ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा हुआ तो अपने यहाँ जो है उसमें राजनीति का कोई वो नहीं है क्या नाम है किसी विशेष पार्टी का वो बार कौन सा पार मतलब जो आदमी सही होगा अपन उसको जिताते हैं दा पे विश्वास हुए और वही धोखो दे जातो वही धोखो दे जातो वही खा खाए पी जाता है तो